अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशरफ। आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों में से एक है। इस्लामाबाद दुनिया की कुदरती खूबसूरत तरीन कैपिटल में दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद का मॉल अभी तक साफ़ है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ ना होने के बराबर हैं। जहाँ पर फैक्ट्रियाँ कम होती हैं वहाँ पर माहौल साफ सुथरा होता है। इस्लामाबाद में ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुनने को मिलेंगे, तो आए मेरे साथ। यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहे और इलाके को एंजॉय करें। मैं अपनी ज़िंदगी में कई बहारें देख चुका हूँ और मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है कि आप चाहो या ना चाहो, ज़िंदगी आपको तीन चीज़ें दे कर जाती है, आंसू, मुस्कुराहट और यादें। वक़्त के साथ साथ आंसू खुश्क और मुस्कुराहट गायब हो जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा के लिए होती हैं। कुछ लोग आपसे आपका मुस्कुराहट छीन सकते हैं, कुछ लोग आपके आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन आपसे आपकी यादें कोई नहीं छीन सकता। आप मेरा यकीन कीजिए कि खूबसूरत यादें ज़िंदगी का सबसे बड़ी दौलत हैं और ज़िंदगी का आखिरी हिस्से में खुश रहने के लिए यही सरमाया काम आता है। जी, अभी तक ये जगह प्लास्टर का और डिस्पोजिबल चीज़ों से फ्री हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप ऐसे खूबसूरत जगहों पर आए तो प्लास्टिक और डिस्पोजिबल की चीज़ें यहाँ ना फेंकें। अभी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, यूरोप में घूम रहा हूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में भी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद हैं कि यूरोप से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। इतना खूबसूरत जगह है, क्या नज़ारा पेश करती हैं। ऐसा लग रहा है जो पिक्चरों में सीनरी नहीं होती, बिल्कुल वैसा लग रहा है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, तो सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।